2019 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है। खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य को 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। दो दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों जनता के सामने रखा। अमित शाह ने सीएम योगी और डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा के साथ मां विद्यावासिनी के दर्शन किए। अमित शाह ने धान के समर्थन मूल्य में 200 रुपए की बढ़ोतरी को ऐतिहासिक फैसला बताया। शाह ने कहा कि आज का दिन किसानों के लिए दिवाली से कम नहीं है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से देश के गांवों को ताकत मिलेगी और आज किसानों की 70 साल पुरानी मांग पूरी हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे के लिए अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक किसान परिवार के साथ मुलाकात की। किसान की कुछ दिन पहले सरकारी केंद्र पर नंबर के इंतजार में मौत हो गई थी। अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात में जो बुलेट ट्रेन बन रही है वो बुलेट ट्रेन नहीं है, वो मैजिक ट्रेन है और वो कभी नहीं बनेगी। राहुल ने आरएसएस पर समाज को तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस तोड़ने का काम करती है और समाज में नफरत फैलाने का काम करती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों को तोड़ कर रख दिया और मोदी ने हिंदुस्तान का पूरा पैसा अपने चहेते उद्योगपतियों को दे दिया है। यूपी में मदरसों में ड्रेस कोड को लेकर योगी सरकार के दो मंत्री आमने सामने हैं। राज्य के हज और वक्फ मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि मदरसों में ड्रेस कोड लागू होगा। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि ऐसी कोई नीति नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि मदरसों में ड्रेस कोड को लेकर सरकार ने कोई नई नीति तय नहीं की है और इस विषय को लेकर विभाग का कोई मत नहीं है। आजम खान ने ड्रेस कोड के मुद्दे पर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ड्रेस कोड लागू करने के साथ पालन न करने पर मिलने वाली सजा भी बता दें। उत्तर प्रदेश एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष ब्रजलाल ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दलितों एवं पिछड़ों को आरक्षण न देने पर एक नोटिस जारी किया है और एक महीने में जवाब भी मांगा है। यूपीएससी एसटी आयोग ने एएमयू को नोटिस भेजते हुए पूछा है कि आखिर एएमयू में एससी एसटी को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी को 8 अगस्त तक जवाब देने का समय दिया गया है। कानपुर के एक थाना परिसर के अंदर दरोगा की उनके आवास पर ही चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। दरोगा का शव कई घंटों तक कमरे में पड़ा रहा। फिरोजाबाद में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। आरएसएस कार्यकर्ता संदीप के घर के बाहर दो बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। लखनऊ के 1090 चौराहे पर एक मासूम का शव पड़ा हुआ मिला। पुलिस चौराहे पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रही युवती ने साथ की सीट पर यात्रा कर रहे युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया और पूरे मामले की शिकायत आरपीएफ से की, जिसके बाद ट्रेन के मुगलसराय पहुंचने पर आरपीएफ और जीआरपी ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। एटा के दोदलपुर गांव में मासूम छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बच्ची स्कूल से पढ़कर वापस लौट रही थी, तभी गांव का एक युवक उसे आम देने के बहाने बाग में ले गया और मासूम के साथ बलात्कार किया। गाजियाबाद में हैबिटेट सेंटर मॉल को सील कर दिया है। हैबिटेट सेंटर पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के करीब 39 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे लेकर हैबिटेट सेंटर को कई नोटिस भी दिए गए, लेकिन इसके बाद भी हैबिटेट सेंटर ने बकाया नहीं चुकाया। कुशीनगर के पड़रौना में नगरपालिका की लापरवाही की वजह से जगह जगह जल भराव हो गया। यही नहीं, बारिश में पड़रौना का बस डिपो तालाब बन गया और यात्री को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।